बिहार में अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कम से कम 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में SKMCH अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी स्थिति का मुआयना किया और इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए। लेकिन अस्पताल के बाहर बच्चों की मौत से गुस्साए लोगों ने CM के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या अब कम से कम 108 हो गई है। वहीं अभी भी 440 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के SKCMH अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल के बाहर बच्चों की मौत से गुस्साए लोगों ने CM का जमकर विरोध किया और नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे भी लगाए। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कानून व्यवस्था को ढंग से कीजिए, गरीबों का बेहतर इलाज सोचिए। और क्या सोचेगा गरीब आदमी, क्या सोचता है गरीब पुलिस वाला? बड़ा आदमी का पैर पकड़ेगा, आम आदमी गरीब है उसको धक्का देकर भगा देगा। बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि CM नीतीश कुमार ने इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। जो मेन फैटलिटी का मरने का कारण जो हो रहा है, उसमें पहुंचने में जो देरी होती है वह कारण होता है। तो यह कहा गया है, फिर से रिट्रेट किया गया है कि मरीजों को पहुंचाने में उनको किसी भी तरह का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। या तो सरकारी एम्बुलेंस है तो सरकारी एम्बुलेंस, और किसी भी गाड़ी से आते हैं उनको हम लोग रिम्बर्स करेंगे पैसा, और फ्लैट रेट पर 400 रुपये हम लोग रिम्बर्स करेंगे। इस अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जाएगा। अभी 610 बेड का अस्पताल है, तो 2500 बेड का बनाया जाएगा और अगले एक साल में 1500 बेड पर पहुंचाया जाएगा। यानी 900 बेड का एडिशन अगले एक साल में किया जाएगा और उसके बाद क्रमशः 2500 बेड तक पहुंचेंगे। तीसरा निर्णय हुआ है भविष्य के लिए है कि उसके 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU वहाँ बनेगा। अभी करीब 50 बेड का ICU है, तो हम लोग उसको 100 बेड्स पे ले जाएंगे। और चौथा निर्णय हुआ है कि वहाँ पर एक बड़े धर्मशाला का निर्माण कराया जाए, क्योंकि अभिभावक भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो एक धर्मशाला का निर्माण कराया जाए। उधर दिल्ली में बिहार में EES के प्रकोप पर जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से संसद के बाहर पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने ये कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए हैं। इस सब के बीच चमकी बुखार से हो रहे मौतों पर BJP के सांसद अजय निषाद का बेतुका बयान आया। मुजफ्फरपुर से BJP सांसद अजय निषाद ने कहा कि चमकी बुखार के लिए 4G जिम्मेदार हैं। गांव, गर्मी, गरीबी और गंदगी को BJP सांसद ने 4G बताया और कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों का इस बीमारी से ताल्लुक है, उनका रहन सहन नीचे है, इसीलिए बच्चे बीमार हैं। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत लगभग 2 दशक से हो रही है, जिसके सही कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।